हाय एवरीवन, आप सभी को हमारा चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना होगा ऑफिशियली प्रोसेस पर। स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो देख लेते फ्रेंड्स, आपका खुद का एंड्रॉयड फोन से जो है फ्रेंड्स अप्लाई कर पाएंगे और आपको कोई भी शॉप पर भी जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी सीएससी सेंटर पर या कोई अलग सा कोई भी इंटरनेट का शॉप पर जाते तो वहां पर जाने के बाद आपसे जो है फ्रेंड्स कुछ कमीशन लिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो देख लेते फ्रेंड्स, आपका जो पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोग खुद कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप होगा फ्रेंड्स इस वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो देखने के बाद अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपका जो अप्लाई जो प्रोसेस है फ्रेंड्स वो जल्दी से जल्दी अप्रूवल होगा और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको सालाना यहाँ पर 6,000 रुपीज करके मिलेगा। ठीक है, तो फुल डिटेल्स जानने के लिए जो है फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ चुका है तो प्लीज प्लीज आपका भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करके जाना। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई फेसबुक पेज से देख रहा है तो पेज को फॉलो कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। अगर आप लोग एंड्रॉइड फोन से करना चाहते हैं तो आपको जो है फ्रेंड्स क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके जो है फ्रेंड्स आपको डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। ठीक है, तब जाके जो है फ्रेंड्स आपका जो एंड्रॉइड फोन है वो डेस्कटॉप मोड पर आ जाएगा और आप जो है फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई भी करवाएंगे। तो इसका बाद जो है फ्रेंड्स आपको गूगल पर यहाँ पर सर्च करना है पीएम किसान अप्लाई। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर पीएम किसान अप्लाई लिख के इंटर करेंगे, उसका बाद जो है फ्रेंड्स डायरेक्टली जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, जो पीएम किसान का जो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो न्यू प्रोसेस आ चुका है फ्रेंड्स, न्यू लिंक आ चुका है वो यही है फ्रेंड्स। तो आपको इसमें क्लिक करना होगा। तो आप जो है फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसका बाद इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो उसका बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दो ऑप्शन आपको ऊपर साइड पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है रूरल, मतलब आप अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और अगर आप लोग कोई भी अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करता है, जैसे कि टाउन इलाका से आप लोग बिलोंग करता है, तो आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो मेरा केस पर जो है फ्रेंड्स मैं यही पर हूँ, तो गांव क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर चुका हूँ। उसका बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है। अगर आप अगर खुद का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपका खुद का यहाँ पर देना है, और कोई कस्टमर का अगर आप लोग करके देना चाहते हैं तो आपको जो है फ्रेंड्स कस्टमर का आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। उसका बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर इंटर करना है, और मोबाइल नंबर इंटर करने का बाद जो है फ्रेंड्स आपको यही से स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका स्टेट है फ्रेंड्स वही स्टेट आपको यही से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करने का बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इमेज कैप्चा, मतलब यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको कैप्चा देना है, इमेज कोड देना है। इस यहाँ पर इस कॉलम पर जो भी कोड है फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपको सही तरीके से भर देना है। उसका बाद जो है फ्रेंड्स आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका सामने ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। आपने जो भी मोबाइल नंबर ऐड किया था उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ चुका है, और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना होगा। और ओटीपी भरने का बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैप्सा भरना होगा। यहाँ पर जो भी कैप्सा है फ्रेंड्स सेम तरीके से आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप यहाँ पर रिफ्रेश भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ओटीपी भर देना है। ओटीपी भरने का बाद जो है फ्रेंड्स इसमें आपको कैप्सा भरना है, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स उसका बाद आपका सामने फिर से एक ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको आपका जो आधार कार्ड का साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ चुका है, उस ओटीपी को आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर भर देना होगा। और यहाँ पर ओटीपी भरने का बाद जो है फ्रेंड्स आपको सिंपल सा यहाँ पर वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो पहले जो है फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ओटीपी को भर देता हूँ, और ओटीपी होने का बाद आपको वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। और ऐसा करने का बाद जो फ्रेंड्स जो फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो पर्सनल डिटेल्स भरने का जो पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब फॉर्म आ जाएगा। तो आपको जो फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टेट का ऑप्शन, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा, जो भी आपका आधार कार्ड पर मेंशन है सेम यहाँ पर आ जाएंगे। उसका बाद आपको यही से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का बाद जो है फ्रेंड्स आपको तहसील सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स वो यही से सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपको जो है फ्रेंड्स ब्लॉक सेलेक्ट करना है यही से, और ब्लॉक सेलेक्ट करने का बाद जो है फ्रेंड्स आपको विलेज सेलेक्ट करना होगा। आपका विलेज सेलेक्ट करने का बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स है फ्रेंड्स वो भरना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मर नेम
तो फार्मर नेम यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा फ्रेंड्स, जो भी आपने आपका आधार कार्ड पर नेम है वो नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको जेंडर भी नहीं भरना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो भी ऑटोमेटिक रहेगा। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फार्मर टाइप सेलेक्ट करना होगा, और फार्मर टाइप पर जो है फ्रेंड्स स्मॉल यही भी सिलेक्ट कर पाएंगे आप लोग, यहाँ पर अथर्स पर भी सिलेक्ट कर पाएंगे। मेरा सजेशन ये है कि फ्रेंड्स आप अथर्स पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और यहाँ पर देखिए आधार नंबर ऑटोमेटिक रहेगा यहाँ पर, और मोबाइल नंबर जो आपने ऐड कर चुका है वो भी मोबाइल नंबर यही पर रहेगा, और एड्रेस भी आ जाएंगे यहाँ पर, आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है फ्रेंड्स वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा भरना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, ओनली आपको 2 से 3 यहाँ पर एप्लीकेशन को भर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का ऑप्शन आ रहा है। तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी किस तरह से निकलना होता है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे मैं उस वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रेशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा, और रेशन कार्ड नंबर भरने का बाद जो है फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रेंड्स आप लोग कोई पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप लोग पहले से भुगतान कर रहा है क्या। तो अगर आप लोग नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर नो करना है, अगर आप लोग कोई भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहा है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। नेक्स्ट आपको ओनरशिप पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सिंगल ज्वाइन है, ठीक है। तो आपको या अगर आप लोग सिंगल है तो आपको यहाँ पर सिंगल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना होगा, और जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका जो लैंड का डिटेल्स है वो भरना होगा। सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आपको खाता नंबर यहाँ पर भरना होगा, उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको दांत नंबर यहाँ पर भरना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एरिया दे देना होगा, ठीक है। एरिया देने का बाद आपको यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस आपको यही पर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको लैंड ट्रांसफर डिटेल्स यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका अगर हस्बैंड डेट हो चुका है तो आपको ऊपर साइड पर क्लिक करना होगा, अगर आप लोग परसेस कर चुका है तो आप यहाँ पर क्लिक कर पाएंगे परसेस ऑफ लैंड। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डेट ऑफ फादर, अगर आपका फादर डेट हो चुका है उसके बाद आपका आपका नाम पर जमीन आ चुका है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको लैंड विजिटिंग डेट आपको यहाँ पर भरना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो पट्टा नंबर है फ्रेंड्स, आपको पट्टा नंबर अगर आपका पास है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नेक्स्ट जो फाइनल प्रोसेस है फ्रेंड्स वो है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स आपको लैंड डॉक्यूमेंट सबसे पहले यहाँ पर अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आपको आधार कार्ड का जो फोटो है फ्रेंड्स उसको जेपीजी फाइल पर यहाँ पर अपलोड करना होगा, और देन आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स उसके बाद आपका यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको जो फ्रेंड्स कस्टमर को रेफरेंस नंबर दे देना है, और कुछ दिन बाद आपको यहाँ पर स्टेटस चेक करना होगा, और स्टेटस किस तरह से चेक करना है मैं नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा कि किस तरह से स्टेटस चेक करना होगा, फुल डिटेल्स पर वो भी वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते तो जल्दी से जल्दी जो है फ्रेंड्स आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स वो जल्दी से जल्दी हो पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो का साथ। जय हिंद।